130 की नहीं, 50 की एंट्री फीस। अगर आप कॉम्बो लेते हो विद शो के साथ वो फिर आपको 60 की पड़ जाएगी। कोई हर 15 मिनट का बाद 10-12 मिनट का शो है, हर 15 मिनट में होता है। भाई यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, फैसिलिटी तो है वॉशरूम की, लेकिन अंदर पानी ही नहीं है तो क्या फैसिलिटी करेगी। तो जी निकल रहे हैं यहाँ से वॉर म्यूजियम से। वो शो था उसमें दिखाया था कि आर्मी हमारी कैसे कैसे रक्षा करती है, कब कब रक्षा करी 1914 से लेकर 2015 तक का था, 100 साल की जर्नी की। उन्होंने कब कब कैसे कैसे हमारी मदद करी, हेल्प करी, क्या हमें एक साथ दिया, तो वो चीज़ थी। बाकी खाना वाना हमने खा लिया था चौचक तरीके से, दाल रोटी बढ़िया अच्छा था। यहीं पे जो ये कैफ़े था बंकर कैफ़े, इसी में खाया था। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, बेल्ट लगाओ, अपने होटल में। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता रह गया, 12 किलोमीटर है सैंड ड्यून्स। तो अभी चलते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ के दिखाते हैं नज़ारे। नहीं भाई, जो ये जो 12 मिनट का 15 मिनट का रास्ता रह रहा है ना, ये सिटी का है, जैसलमेर सिटी का। यहाँ पे सिटी ऑफिस है, यहाँ पे आप ना जो आपको वहाँ पे डेजर्ट में जाके वो आपको एक्टिविटीज़ करनी है ना, डेजर्ट सफारी हो गई, कैमल राइड हो गई, या बाकी और भी जो राइड है वो भी हमें वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या है। तो यहाँ से बुकिंग करानी पड़ती है। यहाँ से सिटी से भी 37 किलोमीटर और आगे है जहाँ पे ये रिजॉर्ट नहीं कैंप है, यहाँ पे जो वो यहाँ से आपको करना पड़ेगा, पहले सिटी पे आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ से आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। सिटी में आ गए हम, जैसलमेर सिटी आ गया है। मेरे पास लोकेशन है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के ऑफिस है वहाँ पे की, जो ये सब बुकिंग करता है। तो जी अब ऐसा है प्लान हमारा, हमने बुकिंग तो करा ली है सैंड ड्यून्स की, हमारा हमने कैंप तो पहले ही बुक करा लिया था, और उसके एक्टिविटी वहाँ पे डेजर्ट सफारी है, कैमल राइड है, पैरासीलिंग वगैरह है, उसकी बुकिंग करानी थी, वो हमने बुकिंग करा ली। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, ऑफिस इन्होंने जैसलमेर सिटी में बना रखे हैं। तो ये पहले ही बोल देते हैं, आप जैसलमेर सिटी से आते वक्त जैसलमेर सिटी में बुकिंग करा के आना, क्योंकि वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ से वाउचर बना के देंगे, लिख के देंगे, इन्होंने अपने प्रिंट करा रखे हैं, उस पर टिक मार देंगे जो जो आप एक्टिविटी करोगे अभी। फिर हमने वहाँ की बुकिंग करा ली, वहाँ पे लेके जाएंगे हमें कल। तो अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, तो अभी हम जैसलमेर सिटी में ही 2-3 पॉइंट है, एक गडसर, कौन सा लेक है, गडीसर लेक है एक, और एक है जैसलमेर फोर्ट है, और एक दो पॉइंट और है। तो हम यहाँ पे वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर कुछ करने के लिए है नहीं, तो अब वो कवर करके हम फिर जाएंगे कैंप। यहाँ से 40 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता है कैंप का। तो बस ये कल 3-3.5 घंटे की एक्टिविटीज़ होती है, जो डेजर्ट सफारी वगैरह में लेके जाते हैं, तो कल शाम को 4 बजे लेके जाएंगे। और बाकी जो कल का प्रोग्राम है सुबह का, वो फ्री है हमारा, तो उसका देखेंगे, हम वहाँ जा सकते हैं। टनोट है यहाँ से कैंप से 180 किलोमीटर, तो अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं हम। वहाँ पे वो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और कुछ वहाँ पे शो वगैरह होता है, जैसे आर्मी कैसे क्या करती है, जैसे अभी एक जो हमने अभी देखा था वॉर म्यूजियम में, तो वैसे ही कुछ टाइप का है वहाँ पे भी। और एक वहाँ पे मंदिर भी है, टनोट माता का मंदिर। तो देखते हैं फिर
फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है।